हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं और आप साथ मिलकर बनाते हैं एक बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बनने वाला रेसिपी, प्रॉन पुलाव। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गरम किया और इसमें मैंने ऐड किया 2 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून घी। अगर आप चाहो तो सिर्फ घी में भी बना सकते हो। जब तेल पूरी तरह से गर्म हो गया, मैंने इसमें ऐड किया 1 तेज़पत्ता, 1 इंच का 1 दालचीनी, 2 ग्रीन इलायची, हरी इलायची और 3 लौंग। जब ये मसाला तेल में अपना खुशबू छोड़ने लगे तो मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अब मैंने ऐड किया 2 स्लिट किया हुआ हरी मिर्च, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया 1/2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अगर आप तीखा खाना चाहो तो आप रेड चिली पाउडर को और थोड़ा यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम प्रॉन, जिसको मैंने पहले से धो के और इसको हल्दी और नमक लगा के रखा हुआ था। इसको 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 कप बासमती चावल, जिसको मैंने पहले से धो के 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून चीनी और आप नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मिनट फ्राई होने के बाद हम इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया है, इसलिए मैं 2 कप पानी ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिला के लो फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाऊंगी। इस तरह से ये बनकर तैयार है। मैंने इसको हरा धनिया के साथ गार्निश किया है। आप इसको रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।